कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। कलर बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और आखिरी चरण में 35 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इस फेज में 283 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मुस्लिम बहुल आबादी वाले जिलों में सबकी नज़र अल्पसंख्यक वोटों पर रहेगी। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला रहने वाला है। पिछले 7 फेज में टीएमसी और भाजपा ही आमने सामने रही है। पश्चिम बंगाल में जारी मतदान के बीच 3 जगहों पर बमबाजी हुई है। बमबाजी की घटनाओं पर बंगाल में जोरासाको सीट से भाजपा उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बम फेंके हैं। उन्होंने कहा, वोटरों और मुझे डराने के लिए बम फेंके गए, टीएमसी डर गई है इसलिए वह बम फेंक रही है। हालांकि भाजपा के आरोपों पर टीएमसी कैंडिडेट विवेक गुप्ता ने जवाब दिया और कहा कि भाजपा वाले हारने से डरते हैं और इसलिए ऐसी रणनीति का सहारा ले रहे हैं, इसका कोई असर नहीं होगा और वे हारेंगे ही। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की किल्लत हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। अलग अलग तरह के हैशटैग के साथ सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। इसी संदर्भ में फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की मांग करने वाला रिजाइन मोदी हैशटैग चला, मगर बाद में फेसबुक ने इसे कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया। रिजाइन मोदी इस हैशटैग को ब्लॉक करने के मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा और यूजर्स ने शिकायत की तो फेसबुक ने अपनी गलती मानी और बाद में फिर इसे बहाल कर दिया गया। दरअसल गुरुवार को फेसबुक उस वक्त विवादों में आ गया जब उसने हैशटैग रिजाइन मोदी को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमें भारत की सरकार ने ऐसा करने को नहीं कहा था, अब इसे रिस्टोर कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। गहलोत ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। एक दिन पहले मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर है। संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार हो गया है। अब तक 1,50,78,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,70,000 लोग रिकवर हुए हैं। अब तक एक दिन में ठीक हुए मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश के लिए यह भी चिंता की बात यह है कि बुधवार को 3,79,164 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब तक एक दिन में मिले नए मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 27 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 3,62,000 मरीजों की पहचान हुई थी। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर 3,640 संक्रमितों की मौत भी हो गई। ये लगातार दूसरा दिन था जब 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच गया है। अब तक 15 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 31,63,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12,82,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1,93,00,000 लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें 1,92,00,000 लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण है और 1,10,000 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बुधवार देर रात सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस के ही एक इंस्पेक्टर बीआर घाड़गे की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। घाड़गे ने हाल ही में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को चिट्ठी लिख परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अब इन आरोपों को लेकर परमबीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। परमबीर सिंह के साथ ही 32 अन्य पुलिस कर्मियों पर भी FIR दर्ज की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से देश ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहा है।
ऐसे संकट के वक्त में एक बार फिर से भारत की मदद के लिए उसका सबसे पुराना साथी रूस सामने आया है। भारत की मदद के लिए जरूरी सामान लेकर रूस के दो विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जिनमें 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड साइड मेडिकल मॉनिटर, 22 मिलियन दवाएं शामिल है। तो टॉप 10 की खबरों के साथ आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। कलर बस बैलेंस जरूरी है, जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।